और दिल्ली के मास्टर चंडीग्राम अखाड़े में वर्ल्ड जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के विजेता सिमरन का सम्मान हुआ है। रशिया में वर्ल्ड जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर सिमरन ने भारत का नाम रोशन किया था और अपने अखाड़े मास्टर चंडीग्राम का नाम रोशन किया। आपको बता दें, जब से मास्टर चंडीग्राम जी का देहांत हुआ तब से इस अखाड़े ने कोई भी मेडल नहीं जीता था, लेकिन करीब 10 साल के बाद सिमरन ने इस अखाड़े का सम्मान बढ़ाया। इसी खुशी में अब अखाड़े में सिमरन का सम्मान समारोह रखा गया। फूलों की माला, नोटों की माला पहनाकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। साथ ही अखाड़े में जितने भी बच्चे थे उनको भी सिमरन की जीत से प्रेरणा मिली है। बताना चाहूँगी, जो आज हमारे अखाड़े चंडीराम अखाड़े का जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया है, उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आज हमें ये दिख रहा है कि ये सिमरन ने मेडल जीता है, लेकिन इस मेडल के पीछे कम से कम 15 साल की उसकी मेहनत है। मैं उसे देखती रही हूँ, वो बचपन से छोटी सी थी तब से वो अखाड़े पर आके ट्रेनिंग करके जाती थी अपने पापा के साथ। सुबह 4 बजे आके वो मेहनत करती थी और जब तक हमारे अखाड़े के बच्चों की पहलवानी स्टार्ट होती थी तब तक वो ट्रेनिंग करके भी चली जाती थी। वो कहावत है ना कि कूद के पैर पालने में दिख जाते हैं, वो चीज़ हमने इसके बचपन में ही देख ली थी कि सिमरन जरूर मेडल लाएगी। देश को ही खुशी है। पहले तो मैं अखाड़े के जितने भी कोच हैं, सैगो कोच साहब और विजय कोच साहब, दीपक कोच साहब और जगदीश पहलवान जी, क्योंकि उस अखाड़े के संचालक, उनका मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने इतनी सुविधाएं दे रखी, हर फैसिलिटी दे रखी है अखाड़े में। बच्चों के लिए एसी हॉल, एयर कंडीशन हॉल दे रखा है, रखी है एयर कंडीशन, मैच दे रखे, फील लाइट वाइट की कोई दिक्कत ना रहे। जब शुरू है 29 जून 2010 से, तो हमारे अखाड़े में अब तक मेडल नहीं आया था, तो हमने ये मेडल जो गुरुजी को समर्पित किया है, उनकी आत्मा मेरे ख्याल में बहुत खुश हुई होगी अगर मेरे जाने के बाद 10 साल के पीरियड में। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।